एक फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, दो रोटी भी नहीं जुट पाती, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, सात दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सोचता था कि जंगल को जितना वो जानता है और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो जिंदगी बीती। ये फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि हर्ष क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। फकीर की बातों पर विश्वास करके वो आगे गया। लौटा तो फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था, हम यही जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे, हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या, हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, गंध जतलाई, तुमने परख दी, मैं भी कैसा भागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा कि कोई फिक्र ना करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे में कटने लगे, एक दिन काट लेता, सात आठ दिन दस दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी, जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे न गए, तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे कुछ और भी हो सकता है? उसने कहा कि ये सवाल तो कभी आया ही नहीं, क्या वाकई में चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है, ये लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ दो, एक दिन ले आओगे, दो चार छह महीने के लिए हो गया। अब तो वो फकीर पर भरोसा करने लगा था, बिना संदेह किए भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। चार छह महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल नहीं आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन फिर से कहा कि तुम कभी जागोगे भी कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा, आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं? फकीर ने कहा कि अब छह महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देख कर देखूं कि और क्या है, क्या ये भी ख्याल नहीं आता? उस आदमी ने कहा कि मैं भी मंदभागी हूँ, मुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं तो समझा चांदी, बस बात बन गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ना था, ना ही सुना था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे ही कहानी चलती रही, फिर और आगे हीरो की खदान है, और ऐसे ही कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया, अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है? उस फकीर ने कहा कि हीरो के आगे मैं हूँ, तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ पर बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का, वो हीरे नहीं ले रहा, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा, तुझे कभी ये सवाल नहीं उठा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा, क्या तेरे मन में ये सवाल नहीं आया? वो आदमी रोने लगा, फकीर के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूड हूँ, मुझे ये सवाल ही नहीं आता, तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, ये ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में ही नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा कि उसी धन का नाम ध्यान है, अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं, अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है, यही मैं तुमसे कहता हूँ, और आगे चलते ही जाना है, उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाए, परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे समझना, दुई मौजूद है, द्वैत मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है,
जब वो अनुभव भी चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि, तब सिर्फ दृश्य नहीं बचा, न दृष्टा बचा, कोई भी नहीं बचा, एक सन्नाटा है, एक शून्य है, और उस शून्य में जलता है बोध का दिया। बस बोध मात्र, चिन्ह मात्र, वही परम है, वही परम दशा है, वही समाधि है।